आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको आपके जेरोक्स B1025 की आपको सेटिंग्स अगर चेंज करनी हो, सिस्टम सेटिंग्स, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, मेरे पास ये जेरोक्स का B1025 मॉडल है। इसकी अगर आपको सिस्टम सेटिंग्स चेंज करनी हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो बटन है, इससे आप सिस्टम सेटिंग्स के लॉगिन पेज पे जाएंगे और इसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर पासवर्ड आपको आपके एडमिन से पूछ लेना है, या फिर आप खुद भी ये वाला ट्राई कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है। मेरा भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये है, मैंने चेंज नहीं किया है। ये देखिए, लॉगिन वॉज सक्सेसफुल आ गया है। अब आपको इसके अंदर सेटिंग्स आपको कहाँ से मिलेंगे, देखिए यहाँ चले गए आप। ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको नॉर्मली नहीं आएंगी, ये आप लॉगिन करेंगे तो ही आएंगी। अब आप इधर ये डिवाइस सेटिंग्स में चले जाइए, जनरल में चले जाइए। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको अगर चेंज करनी हो तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको डिफ़ॉल्ट अगर चेंज करने हो तो आपको मैं डिफ़ॉल्ट कैसे चेंज करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। सर्विस में जाएंगे, कॉपी में जाएंगे, फीचर डिफ़ॉल्ट्स में जाएंगे। ये देखिए, अभी आपको यहाँ पर से जितनी भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, जो आपको प्री डिफाइन करनी है। अभी जैसे मेरी डार्कनेस है, वो यहाँ पर नॉर्मल पे सेट है, और अगर मुझे इसको बढ़ा देना है कि मुझे कस्टमर के टाइम पे इसको बढ़ाना ना पड़े, तो ये आप इसको यहाँ से वो करके ओके कर देंगे, तो ये हमेशा फिर यहाँ पर ही रहेगा। आपको अगर जैसे इसको आपको हमेशा टू साइड ही रखना है, आपका टू साइड का कॉपी ज़्यादा आता है, तो आपको इसको हमेशा टू साइड पे रखना है। आप इसका मतलब सिस्टम डिफ़ॉल्ट आप चेंज कर सकते हैं। आपको रिड्यूस का साइज़ का अगर आपको चेंज करना हो, आपको ओरिजिनल साइज़, आपको जैसे आपका A4 नहीं, आपको लीगल ज़्यादा आता है, तो आप यहाँ से लीगल पे सिलेक्ट कर देंगे तो वो लीगल हो जाएगा। प्री डिफ़ॉल्ट जो बोलते हैं हमें, उनको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैं डन कर देता हूँ। अभी आपको जैसे कॉपी का नहीं करना है, आपको जैसे ID कार्ड का करना है, तो ये इधर से ID कार्ड में जाके आप कर सकते हैं। फीचर डिफ़ॉल्ट, ये देखिए यहाँ पर जाएंगे आप, डार्कनेस, बैकग्राउंड सप्रेशन, पेपर सप्लाई, ये सब आप इसके डिफ़ॉल्ट यहाँ पर से कर सकते हैं। ये डन कर दिया, ये सेव हो गया। अब आपको ऐसे ही स्कैन का कुछ प्री डिफ़ॉल्ट चेंज करना हो, ID कार्ड का करना हो, स्कैन टू USB का करना हो, ईमेल का करना हो, जनरल सेटिंग्स कुछ करना हो, मेजरमेंट, लॉगिन, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपको इसमें लॉग आउट करना हो तो इसी बटन को वापस दबाइए। ये देखिए, ये लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। ये आपका अभी लॉग आउट हो गया। अब देखिए, मैं आपको वो सेटिंग्स दिखाता हूँ। ये देखिए, बिलिंग इन्फॉर्मेशन के नीचे अब सेटिंग्स नहीं आ रही। देखिए, तो देखा आपने कैसे हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास जेरोक्स B1025 मल्टी फंक्शनल प्रिंटर अगर आपके पास हैं तो।